जी स्टूडेंट, नाउ ओपन अ पेज नंबर 48 एक्सरसाइज 2.2। ऐड द फॉलोइंग, यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग हमें दी हुई है। डेसिमल्स का सारा काम है यहाँ पे भी। डेसिमल्स के अंदर होता क्या है कि डेसिमल्स के अंदर एडिशन और सबट्रैक्शन इतना होती है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले हम लिखते थे कि डिजिट के नीचे डिजिट डालना चाहिए, पहले बड़ी वैल्यूज आती हैं उसके बाद छोटी वैल्यू, फिर सबसे छोटी। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं होता, यहाँ पे ये काम होता है कि डिजिट तो आगे पीछे बेशक हो जाए लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल ज़रूर आना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिजिट्स कुछ साइड पे ज़्यादा हो रहे हैं कुछ साइड पे ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल आए तो आसानी से हमारा आंसर पूरा परफेक्टली निकलता है। तब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका 74.386 6.075। थर्ड वैल्यू है 83.943। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 48 एक्सरसाइज 2.2। ऐड द फॉलोइंग, पार्ट वन है हमारा 74.386 6.075 और थर्ड वैल्यू 83.943। अब राइट साइड से जिस तरह हम पहले भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह राइट साइड से यहाँ पे भी एडिशन करेंगे। 6 में 5 प्लस करेंगे ये हो जाएंगे 11, 11 में 3 प्लस करेंगे ये हो जाएंगे 14, 14 का 4 यहाँ पे क्योंकि राइट साइड का डिजिट नीचे रखते हैं और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है उसको ऊपर कैरी दे देते, ऊपर कैरी चले जाए, 1 ऊपर कैरी चले गया। उसके बाद 8 में 1 प्लस करें हो गया 9 में 7 प्लस करें तो ये हो जाते हैं 16 में 4 प्लस करें तो हो जाते हैं 20 का 0 यहाँ पे आ गया, 2 पर कैरी चले गया। 3 में 2 प्लस किया 5 में 9 प्लस किए ये हो गया 14 का 4 यहाँ पे रहा और 1 ऊपर कैरी। 1 में अब ये देखिए यहाँ पे 4 के बाद ये तीनों डिजिट हमने कर लिए, यहाँ पॉइंट के बाद हमने आंसर में भी पॉइंट लगाना है यानी डेसिमल लगाना है ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बाकी नंबर की वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं। अभी हम नीचे सिंपलीफाई में देखेंगे किस तरह आगे पीछे वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह 4 में 1 प्लस किए 5 में 6 प्लस किए 11, ठीक है 11 में 3 प्लस किए 14 का 4 यहाँ पे रहा और 1 ऊपर कैरी चले गया। 1 में 7 प्लस किए 8 और 8 में 8 प्लस किए 16 यहाँ पे आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाकी 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे मैं आपको भी दोबारा क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ कि सिंपलीफाई पेज नंबर 49 पे हमारा है सिंपलीफाई। अब ये देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिए गए हैं सिंपलीफाई यानी इन वैल्यूज़ की सिंपलीफाई करके लिखें यानी जो आपको लाइन वाइज वैल्यू दी है इनको लाइन वाइज रखें, लेकिन इस तरतीब इस तरीके से रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए बाकी वैल्यूज़ आगे पीछे बेशक हो सकती हैं, यानी वो किस तरह होंगी अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए सिंपलीफाई नंबर 1 देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, बाकी इसके अलावा आप लोग जो हैं 3 पार्ट से वर्क आप खुद करेंगे आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है 63.574 प्लस 287.6938 प्लस 9.27027 प्लस 9756। अच्छा, इन वैल्यूज़ को अरेंज किस तरह करना है ये देखिए, पहले हमारे पास वैल्यू थी 63.574 ही हमने रख दी। इसके बाद अब राइट्स आप यहाँ पे देखिए सेकंड वैल्यू देखिए 287.693 ये इससे बड़ी है। अब इस वैल्यू को लिखने से पहले आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिए। अब देखिए ये डेसिमल के राइट साइड पर वैल्यूज कितनी आ रही हैं 69384 तो ये 4 वैल्यूज आ रही हैं हमने यहाँ पे राइट कर दी, 8 हमारा इस साइड पर जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए राइट साइड डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 3 वैल्यूज़ वो भी हमने यहाँ पे राइट कर दी हैं, ये 63 के नीचे तो 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 हमारा आगे जा रहा है इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड पे हमारी 3 वैल्यूज़ थी, 2 हमारा आगे जा रहा था। तो अब देखिए थर्ड वैल्यू में हमारे पास है 9.027। अब इसी तरह डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, राइट साइड पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 027 वो हम राइट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 8 हमारा उस पहले वाली वैल्यू को अभी भी आगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 9। इसी तरह फोर्थ वैल्यू है
9756। ठीक है, इसमें हम फोर वैल्यूज़ यहाँ पर डेसिमल पहले लगाएंगे, फिर फोर वैल्यूज़ राइट कर देंगे। अब ये एट के नीचे सिक्स भी आ गया है, अब हमारी वैल्यूज़ कोई इतनी ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो रही, पहले सिर्फ खाली एट था, अब हमारे पास यहाँ पे सिक्स भी आ गया। और राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा ज़ीरो, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टू एक्स्ट्रा है। तब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो राइट साइड पर देखेंगे पहले सेकेंड वैल्यू में देखें, हमारे पास सबसे जो बाहर निकली हुई वैल्यू, सबसे लास्ट में जो वैल्यू आ रही है हमारे पास है एट और सिक्स, इनको ऐड करेंगे। एट में और सिक्स में, एट में सिक्स ऐड किया हमने तो हमारे पास हो गया फोर्टीन, फोर्टीन का फोर यहाँ पे रहा और वन ऊपर कैरी। अब इस पूरी वैल्यू सारी वैल्यूज़ को डिजिट्स को ऐड करेंगे, फोर में वन प्लस किए फाइव, फाइव में एट प्लस किए इलेवन, फाइव में एट, ये फाइव में थ्री प्लस किए एट, एट में सेवन प्लस किए फिफ्टीन, और फिफ्टीन में फाइव प्लस किए ट्वेंटी, ट्वेंटी का ज़ीरो यहाँ पे आ गया और टू पर चले गया। और उसमें सेवन, अब ये देखिए यहाँ पे भी हम पूरी डिजिट्स सारे सेम है, यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हैं, यानी कोई आगे पीछे नहीं है। तो इन पूरी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, टू सेवन में टू प्लस किए नाइन, नाइन में नाइन प्लस किए एटीन, एटीन में टू प्लस किए ट्वेंटी, ट्वेंटी में सेवन प्लस किए ट्वेंटी सेवन, सेवन इधर आया और टू ऊपर चले गया। फाइव में टू प्लस किए सेवन, सेवन में सिक्स प्लस किए ये होगा थर्टीन, थर्टीन में नाइन प्लस किए हमने ये हमारे पास आ गया ट्वेंटी सेवन, नहीं ट्वेंटी टू, सॉरी ट्वेंटी टू हो गया नाइन, क्योंकि थर्टीन में अगर सेवन ऐड करते हैं तो ट्वेंटी, और बाकी हमारे पास बाकी है क्योंकि नाइन में से टू बचा है तो ट्वेंटी टू, टू इधर आ गया और टू पर कैरी चले गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास पूरे यानी फोर लाइन्स के अंदर फोर डिजिट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके अंदर ऐड करेंगे थ्री में टू प्लस किए फाइव, फाइव में सेवन प्लस किए ट्वेल्व, ट्वेल्व में नाइन प्लस किए ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का वन इधर आया टू ऊपर चले गए कैरी चले गया। इसी तरह फिर एट, सिक्स में टू प्लस किए एट, और एट में एट प्लस किए सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स यहाँ पे आया वन कैरी चले गया टू के ऊपर, टू में वन प्लस किए थ्री, तो ये हमारा आंसर आ गया 661.2704। ये आप देख रहे हैं इसके डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है और नंबर्स कैसे सीक्वेंस वाइज हैं, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई भी, वो जो नंबर आगे पीछे हो रहे हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस वजह से, बाकी ये नहीं कि कोई कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेशन अगर आप बुक में देखें आंसर्स में जाएंगे तो तब भी आपको यहीं पे इसी तरह का आंसर मिलेगा, इसी तरह ऊपर आने का भी इसी तरह मिलेगा। तो जितनी भी डेसिमल्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो इसी तरह होती है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। जी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है। हाँ, माइनस में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर एक वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो उसमें माइनस, क्योंकि एक डिजिट से कोई भी उसी तरह उतारा जाता है उस डिजिट को, तो उसमें तो कोई माइनस नहीं होगा, तो फिर हमारा आंसर में प्रॉब्लम आता है। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ऊपर जितने वैल्यूज़ हैं नीचे भी उतनी वैल्यूज़ हैं, अगर इसमें अगर आगे पीछे वैल्यूज़ दे भी जाएँ तो सारा आंसर जो है वो फिर उसके मुताबिक नहीं आता, जिस तरह की थीम हमारे पास होती है, जिस तरह एडिशन में तो हमने आगे पीछे किया लेकिन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना होता है कि डिजिट के नीचे डिजिट आए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमें क्वेश्चन नंबर थ्री में फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा 812.5346, जिस पर मैंने क्लिक किया, ये वाली वैल्यू हमारी, इसको माइनस करना है नीचे वाली वैल्यू से 534.6987। इस वैल्यू से हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए पेज नंबर 49 पे ये क्वेश्चन नंबर थ्री है सब्ट्रैक्शन का, जिसमें हमने लिख दिया 812 यानी 812.5346। इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 534.6987। अब देखें इसी तरह इस सब्ट्रैक्शन में भी हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे कि सिक्स में से सेवन माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, फोर वाले में से कैरी लेंगे, वन कैरी लिया यहाँ पे हो गया सिक्सटीन। सब्ट्रैक्शन के अंदर जब भी कैरी ली जाती है तो वो टेन की वैल्यूज हो जाती हैं, तो सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन में से सेवन माइनस किया हमारे पास आया नाइन। इसी तरह यहाँ पे फोर में से वन कैरी देती है तो यहाँ पे बचा थ्री, थ्री के साथ थ्री में से एट माइनस किया तो इसी तरह यहाँ पे भी कैरी ली, यहाँ पे हो गया थर्टीन, थर्टीन में से एट माइनस किया यहाँ पे आया फाइव, यहाँ पे थ्री में से हमने वन कैरी दी थी यहाँ पे बच गया टू, टू में से फाइव, टू में से नाइन माइनस नहीं हो सकता इसलिए हम फाइव में से वन कैरी लेंगे। फाइव में से जब हमने वन कैरी लिया
तो यहाँ पे होगा 12, 12 में से 9 माइनस किया यहाँ पे होगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 4, 4 के 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पे पॉइंट्स के बाहर भी कैरी ली जा सकती है पॉइंट्स, ये मतलब इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि पॉइंट्स के बाहर अगर कैरी नहीं ले सकते, यहाँ पे पॉइंट्स के बाहर भी कैरी ली जा सकती है। कट करके यहाँ से भी कैरी लेंगे, यहाँ पे होगा 14, 14 में से 6 माइनस किए हमारे पास आया 8, तो डेसिमल के नीचे इसी तरह हमने डेसिमल पॉइंट कर दिया, राइट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1, 1 में से यहाँ पे 1 को कैरी दिया तो ये हो गया 11, 11 में से 4 माइनस किए यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे वैली 1 था हमने को कैरी दे दी यहाँ पे हो गया 0, और 8 में से हमने कैरी दिया ये हो गया 10, 10 में से 3 माइनस किए तो ये आ गया 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 में बच गया था, 8 में से 1 कैरी दिया यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 माइनस किए तो आंसर आ गया 2, तो हमारे पास आंसर आया 277.8359, ठीक है। इसके बाद बाकी जिसके दो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जब पेपर्स होते हैं तो उनमें फिर प्रैक्टिस का बड़ा काम टाइम मिलता है, तो साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इसी तरह इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सिंप्लीफाई पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंप्लीफाई, इसका फर्स्ट पार्ट है 4510.2513 माइनस, जितना सिंप्लीफाई उसमें भी एडिशन की थी यहाँ पे माइनस करेंगे सिंप्लीफाई के अंदर, लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटली रॉ के अंदर वैल्यूज दी हुई गई है हमें, हमने इसको वर्टिकली लिखना है, उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने इसको यानी फर्स्ट वैल्यू जो लेफ्ट साइड की जो फर्स्ट वैल्यू है हमने पहले वो राइट करेंगे, उसके बाद सेकेंड वैल्यू राइट करेंगे, राइट करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा आपके पास, तो आप देखेंगे 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, इसी तरह यहाँ पे भी 1 से 1 कैरी ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये होगा 13, 13 में से 8 माइनस किए यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे पहले 1 था हमने 1 कैरी दे दी यहाँ पे वो हो गया 0, तो नेक्स्ट डिजिट से कैरी लेंगे, 5 में से कैरी लिया हमने हो गया यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 3 माइनस किए 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 4, 4 में से फिर 9 माइनस नहीं हो सकता तो 2 से कैरी लेंगे यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 9 माइनस किए यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे 1 था अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकते तो आगे डिजिट देखिए, पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लग जाएगा, आगे डिजिट हमारे पास है 0, 0 में से कैरी नहीं ली जा सकती तो उसके नेक्स्ट डिजिट से पहले 0 को कैरी देंगे, 0 को कैरी देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से कैरी देंगे 1 इधर आ जाएगा तो 0 के ऊपर बच जाएगा 9, तो ये हो गया 11, 11 में से 4 माइनस किए 7 तो आगे डेसिमल लगेगा, इसी तरह 9 में से 7 माइनस किए 2 और 10 में से 2 माइनस किए 8, क्योंकि यहाँ पे भी 1 था, 1 से कैरी लेके दी थी यहाँ पे 0 हो गया था, फिर 5 में से हमने इसको कैरी दिया ये हो गया 10, 10 में से 2 माइनस हुए 8 और 4 यहाँ पे बच गया था 4, 4 में से 4 माइनस किए 0 और 4 में से 1 माइनस किए 3, तो हमारे पास आंसर आया 3082.7575। जी स्टूडेंट देखिए अब ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आप बुक में भी देखेंगे, अभी मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 49 पे मल्टीप्लाई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हमने एडिशन की उसके बाद उसकी सिंप्लीफाई की, सब्ट्रैक्शन की उसकी सिंप्लीफाई की, अब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसके बाद इसका फाइंड द प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी करेंगे इस वीडियो के अंदर, अभी हम मल्टीप्लिकेशन तक काम करेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6.05 मल्टीप्लाई बाय 10, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह हम वैल्यू रखेंगे और 10 नीचे रखेंगे, जब भी इसी तरह की डेसिमल्स वाली वैल्यू होती है तो डेसिमल की वैल्यू पहले रखी जाती है फिर जिससे मल्टीप्लाई करवाना होता है उसको नीचे रखते हैं, बाकी में तो ये होता है अगर उस जिस वैल्यू से आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है अगर उसको भी ऊपर रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन का आंसर वही आता है, लेकिन इसमें अगर आप जिस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन दी हुई यानी 10 से 100 से जिससे भी अगर उसको ऊपर रख देते तो हमारा आंसर गलत आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 6.05 पहले रखेंगे उसके बाद 10 रखेंगे, ठीक है। अब राइट साइड से हम इसको भी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे कि पहले 0 को फर्स्ट रो से फिर 1 को फर्स्ट रो से, 0 5 0 0 0 0 0 6 0, अगर आप यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे इन वैल्यूज़ के अंदर भी साथ साथ लगाना चाहें डिजिट के नीचे डिजिट यहाँ पे देखें तो लग सकता है, अगर ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पे 1 से करेंगे, पहले 1 टाइम साइन शो करेंगे, 1 5 0 5 1 0 0 1 6 0 6, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास, अब इनको ऐड करेंगे, 0 में से 0 में के नीचे कुछ नहीं है 0 आ जाएगा, 0 में 5 ऐड किए 5 और 0 के नीचे कुछ नहीं है 0 और 6 का 6। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल दिया हुआ था कितने डिजिट्स के बाद, यहाँ राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे 1 2 के बाद यानी 5 के बाद यहाँ पे भी
डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.50 यानी 50। अगर लास्ट का जीरो नहीं भी, जिसने मैंने अभी कहा था कि पॉइंट के बाद का अगर कोई जीरो होगा तो अगर लेना चाहे तो तब ले भी सकते हैं, ना लेना चाहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर हम 60.5 लिखें तब भी हमारा आंसर राइट है, अगर 60.50 लिखें तब भी हमारा आंसर राइट है। तो इसी तरह आप इसको क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बाकी 4 और 5 छोड़ दीजिएगा, वो अगर हमने करनी बोले वो क्लास में करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट बाकी आप लोगों को इसका काम बाया PDF भी सेंड कर दिया जाएगा, उसमें से देख के अगर आपको कोई चीज़ अगर वीडियो में नहीं समझ आती तो क्लियर यानी वीडियो जाएगा, अगर जल्दी चल रही हो और स्पीड ज़्यादा हो तो उसमें आप आसानी से देख के कर सकते हैं। वो उसका लुक मैं अभी आपको सेंड बता देता हूँ किस टाइप का होगा। अच्छा जी, ये स्टूडेंट देखिए कि 2.1 का जो काम मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, इस तरह की पिक्चर्स आपको मिलेंगी, इसका लेआउट मिलेगा, उसको आप यूँ फोकस भी कर सकते हैं। हर मोबाइल में ऑप्शन होता है पिक्चर को फोकस करने का, एक एक पिक्चर को आप फोकस करके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस तरह 4 पिक्चर्स आपको मिलेंगी, इसी तरह ये 2.2 का भी आपको पूरा लेआउट यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरह इसको भी पूरा फोकस करके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी तरह इनके क्वेश्चंस भी इनके साथ ही सेंड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।